अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। अजीज़ तुलबा व तालबात, एक बार फिर से इस्तकबाल है आपका डिजिटल स्कूल में। आज हम जमात शशुम मजमून तारीख सबक नंबर 9 जुनूबी भारत की कदीम हुकूमतें इसका मुताला करने जा रहे हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं, इस वीडियो के अंदर हम पांड्या और चोल राजघराना के बारे में मालूम हासिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले डिजिटल स्कूल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कीजिए। डिजिटल स्कूल इस एंड्रॉयड ऐप को आप ज़रूर डाउनलोड कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। प्यारे बच्चों, आपके सामने जो नक्शा है, ये पहली सदी कबल मसीह से 8वीं सदी ईस्वी तक जुनूबी भारत का इलाका आपको बताया गया है। तो जुनूब की कदीम हुकूमतों में से उस वक्त के अदब में 3 हुकूमतें का जिक्र पाया जाता है। वो हुकूमतें चीर, पांड्या और चोल थी। ये हुकूमतें 4वीं सदी कबल मसीह या इससे भी पहले मौजूद थी। इनका जिक्र रामायण और महाभारत के अजीम रजमिया नज़मों में किया गया है। प्यारे बच्चों, उस ज़माने में रजमिया नज़में लिखे जाते थे और उसमें तारीख बयान की जाती थी। इन 3 हुकूमतों का जिक्र तमिल जबान के संगम अदब में है। मौर्य सम्राट अशोक की तहरीरों में भी इनका जिक्र किया है। पेरिस पल्स ऑफ द एर्थेरेंसी नामी किताब में केरला की इंतहाई अहम बंदरगाह मुजीरियस का जिक्र भी है। ये बंदरगाह चीर की हुकूमत में थी और बंदरगाह मुजीरियस से मसाले, मोती, कीमती हीरे वगैरह इटली के शहर रूम और दीगर मगरबी ममालिक को दरामद किए जाते थे। पांड्या हुकूमत मौजूदा तमिलनाडु में थी। वहाँ के उम्दा मियार के मोतियों की खूब मांग थी और पूरी दुनिया के अंदर अजीज़ तुलबा तलबात इसकी ज़बरदस्त मांग थी। पांड्या हुकूमत की राजधानी मदुराई थी। अब अजीज़ तुलबा तलबात देखते हैं सातवाहन राजघराना मौर्य हुकूमत के जवाल के बाद शुमाली भारत की तरह महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक रियासतों के मकामी हुक्मरान आज़ाद हो गए। जिस तरह से प्यारे बच्चों मौर्य हुकूमत जवाल में आ गई, तो दीगर छोटी छोटी जो हुकूमतें थी वो इक्तदार में आने लगी। उन्होंने अपनी छोटी छोटी हुकूमतें कायम किए। इनमें एक हुकूमत सातवाहन राजघराने की थी। प्रतिष्ठान जो पेठन इस हुकूमत की राजधानी थी, आज पेठन है। राजा सिमुक सातवाहन खानदान का बानी था। ज़िला पूना में जुन्नर के करीब नानी घाट के गार में कुंदा तहरीर में इस खानदान के मफराद के नाम मौजूद हैं। अजीज़ तुलबा तलबात उस ज़माने में तारीख है वो पत्थरों पर लिखा करते थे, जिसकी वजह से आने वाली नस्लों को पता चलता था। अब देखते हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी खास तौर पर सातवाहन खानदान का मशहूर राजा था। उसकी बहादुरी के कारनामों का बयान नासिक के गारों में तहरीर है। इसने शुक राजा नहपान को शिकस्त दी थी और नासिक की तहरीरों में गौतमी पुत्र का जिक्र त्रि समर्थ तोय पेत वाहन के तौर पर किया गया है। तोय का मतलब है पानी, यानी प्यारे बच्चों वाहन यानी घोड़े, राजा की सवारी, इस पूरे फिक्रे यानी त्रि समुद्र तोय पेत वाहन का मतलब है जिसके घोड़ों ने 3 समुद्रों का पानी पिया है। तो 3 समुद्रों की हुकूमत थी ये सातवाहन राजघराना, लगभग 3 इलाकों में फैली हुई थी। अब तस्वीर में आपके सामने थी कि जहाज की तस्वीर वाला सातवाहन का सिक्का, उसके बाद कारलार का बुद्ध मंदिर। आइए बच्चों आप देखते हैं वाकाटक राजघराना। तो 3री सदी ईस्वी के आगाज में सातवाहनों का इक्तदार कमज़ोर हो गया। इसके बाद उरूज पर आने वाले राजघरानों में वाकाटक एक ताकतवर राजघराना था। विद्या शक्ति वाकाटक राजघराने का बानी था। तो विंध्या शक्ति जो था उसका बानी था, जिसने बुनियाद डाली थी इस खानदान की। अब प्यारे बच्चों आपके सामने दिख रहे हो अजंता का एक गार है। तो अजंता का गार काफ़ी मशहूर है। तो चलिए परवरसेन अव्वल के बारे में मुताला करते हैं। वाकाटक सल्तनत को इसने वसत दी थी। इसने बहुत सारे जंगे जीते थे। इसके दौर हुकूमत में वाकाटक की सल्तनत शमाल में मालवा और गुजरात से जुनूब में कोल्हापुर तक फैली हुई थी। इस ज़माने में कोल्हापुर का नाम कुंतल था। कोल्हापुर का पुराना नाम था कुंतल। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त दुवम की बेटी प्रभावती की शादी वाकाटक राजा रुद्रसेन दुवम से हुई थी। इससे मुतालिक मालूमात हमें पहले हासिल कर चुके थे। अब देखते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पर जो तस्वीर है अजंता के गार की, एक तस्वीर इसमें अजंता में बोधी सत्तर 3री सदी ईस्वी के आगाज में सातवाहनों का इक्तदार कमज़ोर हो गया था। इसके बाद उरूज पर आने वाला राजघरानों में एक वाकाटक ही ताकतवर राजघराना था। तो चलिए अब देखते हैं चालुक्य राजघराना। तो कर्नाटक के चालुक्य राजघराने का इक्तदार मुस्तकिम था, मजबूत हो गया था। वाकाटकों के बाद
जो हुकूमतें मजबूत और मुस्तकिम हुई थी इनमें कदम कलछोरी वगैरह हुकूमतें शामिल थी। इन सब पर चालुक्य राजाओं ने बढ़तरी हासिल कर ली थी, जीत हासिल कर ली थी। पुलकेशी अव्वल ने 6वीं सदी ईस्वी में चालुक्य खानदान की दाग बेल डाली। कर्नाटक का एक मकाम बदामी उसकी राजधानी था। बदामी का पुराना नाम था वातापी। तो प्यारे बच्चों, आज जो शहर बदामी है उसका पुराना नाम था वातापी। अब देखिए, यहां पर आपके सामने मंदिर है। यह मंदिर था चालुक्य राजघराने की तरफ से बनाया हुआ। तो चलिए अब मालूमात हासिल करते हैं पल्लू राजघराना। पल्लू राजघराने भी महाबलीपुरम के रथ मंदिर तामीर करवाए थे। आज भी प्यारे बच्चों ये मंदिर मौजूद है। पल्लू हुकूमत जुनूबी भारत की एक ताकतवर हुकूमत थी। ये जुनूब की हुकूमत थी। तमिलनाडु का मकाम कांचीपुरम इस हुकूमत की राजधानी था। महेंद्र वर्मन एक बासलायत पल्लू राजा था। उसने अपनी सल्तनत को काफ़ी वसात दी थी, बहुत सारे जंगे लड़े थे। वो खुद एक ड्रामा नवीस भी था, ड्रामे भी लिखता था। अब देखिए प्यारे बच्चों, पल्लू राजघराना का जो जंगी बेड़ा बेहद ताकतवर हथियारों से लैस था। जदीद हथियार थे उस जमाने के। उसके ज़माने में भारत के जुनूब मशरिक एशिया के ममालिक से करीबी ताल्लुकात पैदा हुए। अंदरूनी मुल्क और बैरूनी मुल्क की तिजारत खूब तरक्की करवाई। ह्यूंग सांग कांची आया था। उसने कहा है कि उनकी हुकूमत में तमाम मजहब के लोगों के साथ रवादारी और इंसाफ का सलूक किया जाता था। अब प्यारे बच्चों, हम जो देख रहे हैं यह है एलोरा के कैलाश गढ़, जिसे यहाँ पर बनाए थे। देखिए, राजकोट राजघराना। तो राजकोट राजघराना की खुशहाली और तरक्की के ज़माने में उनकी हुकूमत विंध्या पहाड़ से जुनूब में कन्याकुमारी तक फैली हुई थी। काफ़ी वसी हुकूमत थी ये भी। राजा दंती दुर्ग ने पहले इनका इक्तदार महाराष्ट्र में कायम किया। फिर राजा कृष्ण अव्वल ने वेरोल, जो एलोरा का इंतहा मशहूर कैलाश मंदिर उसने तामीर करवाया था। तो अजीज़ तुलबा तालबात, इस वीडियो के अंदर हमने मालूमात हासिल किए चोल खानदान, पांड्य खानदान, सातवान राजघराना, वाकाटक राजघराना, चालुक्य राजघराना, पल्लू राजघराना और आखिर में राष्ट्रकूट राजघराना। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए। सवालों के जवाब का वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में भी मौजूद है, साथ ही साथ डिजिटल स्कूल इस एंड्रॉयड ऐप के अंदर भी मौजूद है, जो बिल्कुल फ्री है। तो अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई पेशकश के साथ।